सो हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए एक नए वीडियो के साथ आपके चैनल पाठशाला पे, एक नए वीडियो एक नए टॉपिक को लेके। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का वीडियो है गूगल के सबसे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन के बारे में, जो अभी है स्टूडेंट सबके दिमाग में कि जी मेंस और नीट के एग्जामिनेशन कब हो रही है। जी हाँ, तो अब एक नया नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन एक नया डेट आया है जिसके आधार पे ये कंक्लूड किया गया है कि आप जी मेंस और नीट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें 3 मई तक चेंजेस कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने एग्जामिनेशन सिटीज बदल सकते हैं। ये एप्लीकेशन इसलिए दिया गया है ताकि कोविड-19 की वजह से जो पेंडेमिक अटैक आया है उससे आप अपने नियर सिटीज में अपना एग्जामिनेशन सेंटर दे सकें, ताकि आपको एग्जामिनेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसी के साथ साथ एक और न्यूज आ रही है 27 अप्रैल को, जिसके बारे में पता चला है। बहुत स्टूडेंट को इसके बारे में पता है, लेकिन बहुत को नहीं पता है कि सिद्धार्थ पांडे, जो कि ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है ऑफ जीई एडवांस 2020 के, उन्होंने बताया है कि जी मेंस 2020 कंडक्ट किया जा सकता है 20 जून से लेकर 22 जून तक। जी हाँ, तो जिन स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन था कि जी मेंस के पेपर कब हो रहे हैं, तो एक ऑफिशियल नोटिस के बाद ही ये एक्यूरेट डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन 20 जून से पहले ये पेपर नहीं होने वाले हैं। जी हाँ, तो आपके पास 2 महीने का टाइम है अपने जी मेंस के प्रिपरेशन को और स्ट्रांग करने के लिए, क्योंकि 20 जून से पहले ये नहीं हो रहे हैं। हो सकता है 20 जून के ये बाद भी हो, लेकिन उससे पहले नहीं हो सकते हैं, ये हमारे चेयरमैन ने कहा है। और इसी के साथ जी में अगर 20 या 22 के होते हैं तो 2 या 3 वीक का बफर लिया जाएगा, उसके बाद हमारा कंडक्ट किया जाएगा जीई एडवांस। जी हाँ, तो ये हो गए इन्फॉर्मेशन सारी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। अब मेडिकल स्टूडेंट के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जनरली नीट के एग्जामिनेशन लिए जाते हैं जी मेंस के 2 या 3 वीक के बाद। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर जी मेंस के पेपर 20 या 22 को होते हैं तो नीट के पेपर हो सकते हैं 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई तक। तो नीट के स्टूडेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप चिंता ना करें, 1 और 2 जुलाई से पहले आपके पेपर नहीं होने वाले हैं। तो आपके पास भी एक टाइम है, 2 महीने 1.5 महीना का अच्छा टाइम है, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को सही वे में चैनलाइज किया जा सके। तो ये 2 महीने के टाइम को अच्छे से यूज करें। और इसके लिए जो स्टूडेंट्स के मन में कुछ डाउट है कि हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे इस 2 महीना को फुल वे में चैनलाइज करें, तो उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पे, जी हाँ, इसी चैनल पाठशाला पे आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी। और इसी वे को चैनलाइज करने के लिए हमारे ही चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है जी मेंस के प्रिपरेशन के लिए और नीट के प्रिपरेशन के लिए, कि कैसे इन 2 महीनों में आप सारा अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अपना प्यार देने के लिए थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।